अन्नपूर्णा रसोई एंड होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के पराठे। तो देखिए, मेथी के पराठे के लिए हमको क्या क्या लगेगा। ये मैंने लिया है एक गुच्छा मेथी, थोड़ी हरी प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, अजवाइन, नमक, जीरा और हल्दी। मैंने सबको हरी धनिया, हरी मिर्च और प्याज के पत्ते, मेथी भाजी सबको बारीक चॉप कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें हम घी डालेंगे। देखिए घी गर्म हो गया है, इसमें मैं जीरा और अजवाइन डाल दूंगी। जीरा और अजवाइन जब थोड़ा चटक जाए फिर हम इसमें चॉप की हुई सब्जियां डाल देंगे, मेथी भाजी, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च। इसको हम थोड़ा भून लेंगे। इसमें मैं नमक डाल दूंगी, थोड़ी हल्दी डाल देंगे। इसको भूनने से क्या होता है, थोड़ी नरम हो जाती है जिससे हमको आटा गूंथने में सहूलियत होती है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हमको पानी ज़्यादा नहीं लगता है आटा गूंथने के लिए, क्योंकि भाजी नरम हो जाती है और इसका जो हम डो लगाते हैं वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। अब इसमें मैं 1.5 कप आटा डालूंगी। इसको आटे को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मेथी भाजी गर्म होने के कारण, अच्छा देखिए आटा भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हम इसको अच्छी तरह गूंथ लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसका पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने लोई ले ली है। अब हम इसको बेल लेंगे। मैंने रोटी बना ली इसकी, पराठे की। अब इसमें हम ग्रीसिंग करेंगे। मैं घी की ग्रीसिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो तेल की भी ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा फैटी या ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते हैं तो आप बिना ग्रीसिंग के इसका पराठा सेक सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मोयन डला हुआ है तो ये वैसे ही सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन ग्रीसिंग करने से देखिए इसको कैसे तह लगा के मैं कैसे बना रही हूँ। वापस इसमें ग्रीसिंग करेंगे, इसको फोल्ड करके। अब वापस हम इसको बेल लेंगे थोड़ा सा आटा लगाकर। थोड़े अलग शेप में बेलने से ये अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और देखने में अच्छा लगता है तो हमको खाने की भी इच्छा होती है इसको। फोल्ड करके बनाने से इसमें परतदार पराठा बनता है। ये हम सिंपली, अगर हमको ऑयली नहीं चाहिए तो हम, क्योंकि ऑलरेडी मोयन डला हुआ है इसमें, तो हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। हमारा पराठा बन गया है। अब ऐसे ही हम सारे पराठे बना लेंगे। हमारे पराठे बन गए हैं, अब हम इनको सेक लेंगे, तवा गरम करेंगे। देखिए पराठा, जब तक के पराठे में एक साइड बबल नहीं आने लगे तब तक हम इसको नहीं पलटेंगे, क्योंकि जब पूरा सिक जाता है एक साइड से तभी हम इसको पलटेंगे, नहीं तो पराठा कच्चा रह जाता है। और कच्चे पराठे में कभी भी घी नहीं लगाना चाहिए, तो वो अच्छे से सिक नहीं पाता है। देखिए अब हल्के से बबल दिख रहे हैं इसमें। बबल आ चुके हैं और कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है इसका,
तो हम इसको पलट देंगे। देखिए दूसरी तरफ से ये सिक गया है। अब हम इसमें ऊपर से ग्रीसिंग कर देंगे। इसको पलट के हम दूसरे साइड भी ग्रीसिंग कर देंगे। ये मेरे पास टूल है पराठे सेकने का, मैं इससे प्रेस करके पराठे सेक रही हूँ। पराठे को दबाकर सेको तो पराठा अंदर से अच्छे से सिकता है, तो कभी भी पराठे को दबाकर सेकना चाहिए। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप इसको कटोरी से भी सेक सकते हैं, कटोरी से भी पराठा बहुत अच्छे से सेकता है। मेथी के पराठे ठंड में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत फायदा करते हैं ये। देखिए मैं आपको बता रही हूँ आप कटोरी से किस तरीके से सेक सकते हैं पराठे। किचन में हमारे पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। देखिए अब हमारे सारे पराठे सिक चुके हैं, तो बहुत अच्छे बने हैं ये पराठे। आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।